जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन साइंस प्रैक्टिस सेट के पांचवें क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के सेशन में हम लोगों ने आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन साइंस का चौथा सेट देखा था, जहां पे हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को और डिस्कस कर रहे होंगे, जो आपके आगामी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित तो उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसको आप टेलीग्राम पे जाकर के द लॉजिकल साइंस के रूप में सर्च कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और सभी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। बहुत सारे छात्र जुड़ चुके हैं, सभी को राम राम, नमस्कार। चलिए, सूरज गंगेली गुड इवनिंग, नीतीश कुमार जय श्री राम, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए सारी चीजें क्लियर है, ऑल ओके, तो फिर हम लोग स्टार्ट करें अपने सेशन को बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हुए। और साथ ही मेरे मित्र, आप सबों को एक छोटा सा जानकारी देना चाहूंगा, जो कि मैंने आपको कल के सेशन में ही बता दिया था कि यूट्यूब पे सर आपके सभी एग्जाम के लिए, जो आप सबों के मन में ये डाउट रहता है कि गुरुजी बीपीएससी के लिए कैसे पढ़ेंगे, बिहार एसएससी के लिए कैसे पढ़ेंगे, आगामी एएलपी एंड टेक्नीशियन है, आप जहाँ पे भी जाओ हर जगह पे अलग अलग क्लासेस चलती है। अब एक एक स्टूडेंट को बीपीएससी ट्री भी फेस करना है, बिहार एसएससी भी फेस करना है, एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम भी देना है, और ऐसे में एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने कल ही आप सबों के लिए क्या किया सर, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है, विजय श्री एनसीईआरटी बैच। ध्यान में रखिएगा मेरे मित्र, ये बैच जो है आपका कंप्लीटली आपका YouTube पे फ्री रहने वाला है। इसमें हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, क्लास 9th और 10th जो एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि जो भी चैप्टर है उस पूरे को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो सेशन होगा, ध्यान में रखिएगा, ये सेशन आपका रिकॉर्डेड होगा और मंडे टू फ्राइडे इसमें क्या होगी सर, आपको लेक्चर मिलेगी जो कि थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों का होगा। और कब से स्टार्ट हो रही है सर, ये 11th अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, तो 11th अप्रैल को सर शाम के 5 बजे से आप सर इस बैच के क्लासेस में जुड़ना मत भूलिएगा, ये आप सबों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। बहरहाल मेरे मित्र, आप सबों के सामने आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 कि जिस विटामिन में धातु परमाणु यानी कि मेटल एटम होता है वह निम्न है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B6 और विटामिन B12, क्या होगा इसका आंसर। कहा जा रहा है आपसे कि इन चारों में से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें क्या होता है, तो सर कोई धातु परमाणु मिलता है यानी कि मेटल एटम मिलता है आपका। क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी छात्र दे पाएंगे, सभी को राधे राधे, ठीक है, गुड इवनिंग। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे रोहित माही, ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं। चलिए, नरेंद्र कुमार डी दे रहे हैं, कामनी कुमारी ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, गौरव कुमार सिंह डी दे रहे हैं। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, पहला चीज तो बात किसकी की जा रही है, विटामिन की जा रही है। तो मेरे मित्र आप सभी याद रखेंगे कि ये जो विटामिन है ये क्या है आपका, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी एक प्रकार का हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है। जाहिर सी बात है कि ये हमको डिफरेंट टाइप के फूड सोर्सेस से मिलते हैं यानी कि भोज्य पदार्थ से मिलते हैं। ये क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है जिसकी आपके शरीर में क्या होती है, कम मात्रा में जरूरत होती है। विटामिन का आपके शरीर में क्या होती है, कम मात्रा में जरूरत होती है। और मेरे मित्र सबसे खास बात क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि विटामिन का संश्लेषण आपकी जो बॉडी की सेल है वो नहीं करता है, यानी कि शरीर की कोशिकाएं इसका संश्लेषण नहीं करती है। संश्लेषण नहीं करती है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये क्या करता है, तो मेरे मित्र जो आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है यानी कि जो उपापचयी क्रियाएं हैं उसको नियंत्रित करता है। तो अगर हम सीधे सीधे यहां पे विटामिन के कार्य की बात करें चिला, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका जो कार्य होगा वो उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करना होगा। क्या होगा, उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करना होगा, उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण। कहां मिलता है ये आपको, तो आप कहते हैं अलग अलग भोज्य पदार्थ से मिलता है। इसकी कमी से क्या होता है सर, कुछ रोग हो जाते हैं। और आप सबों को मालूम है
कि जो संपूर्ण विटामिन है वो दो भाग में बटा हुआ है, यानी कि पूरे विटामिन को हम लोग कितने भाग में डिवाइड करते हैं? सर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? तो सर एक जल में घुलनशील विटामिन, एक आपका क्या होता है जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा क्या है आप सभी कहते हैं गुरुजी दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहोगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करेंगे विटामिन बी और सी की तो ये दोनों क्या है जल में घुलनशील, और अगर हम लोग बात करेंगे विटामिन ए डी ई और के की तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये वसा में घुलनशील होगा। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे, कहा जा रहा है कि जिस विटामिन में धातु परमाणु होता है वह कौन सा है? तो मेरे मित्र आप सभी अगर विटामिन डी की बात करेंगे तो आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी जो विटामिन डी है इसका रासायनिक नाम हम लोग कैल्सीफेरॉल पढ़ते हैं, और साथ ही हम लोग क्या कहते हैं ये हड्डियों के पोषण के लिए जरूरी होता है। क्या होता है? हड्डियों के पोषण के लिए जरूरी होता है। और साथ ही मेरे मित्र आप क्या कहते हो कि वयस्कों में इसके कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है जबकि बच्चों में इसके कमी से रिकेट्स रोग होता है। साथ ही अगर हम विटामिन सी की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि गुरुजी इसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। और साथ ही इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी सिक्स की बात करते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इसको हम लोग पायरीडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पायरीडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। और इसकी कमी से सर व्यक्तियों का जो वृद्धि होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। जबकि मेरे मित्र विटामिन बी ट्वेल्व की बात करते हैं तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है आप सभी ध्यान में रखना, साइनोकोब्लोमीन। क्या होता है सर? साइनोकोब्लोमीन होता है। और मेरे मित्र आप सभी ये याद रखिएगा, आप सभी याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है कोबाल्ट धातु मौजूद होता है। क्या होता है चिल्ला? कोबाल्ट धातु मौजूद होता है। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि जिस विटामिन में धातु परमाणु मेटल एटम होता है वह निम्न है, आप सभी क्या कहेंगे? सर ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो जो छात्र ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे थे वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे। सूरज गंगेली कह रहे हैं ए राइट आंसर, गलत है जवाब, ए नहीं होगा। ठीक है चलिए, रवि जी कह रहे, रवि रंजन कह रहे सर लाइट का क्लास लीजिए एक बार, हो जाएगी। ठीक है, अभी एनसीईआरटी मैंने बताया है उसमें भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मेरे मित्र आप सभी अगले सवाल पे आइए, और आपसे यह कहा जा रहा है कि किसी पुरुष के स्वर का आवृत्ति 400 हर्ज तथा उत्पन्न ध्वनि तरंग की लंबाई 1 मीटर है, यदि किसी महिला के स्वर की तरंग लंबाई 80 सेंटीमीटर हो तो उसके स्वर की आवृत्ति क्या होगी? ऑप्शन है 400 सेकेंड, और फिर है आपका 500 सेकेंड इनवर्स, फिर है आपका 300 सेकेंड इनवर्स, और चौथा है आपका 600 सेकेंड इनवर्स। सवाल को एक बार फिर से पढ़िएगा कि कोई जेंस है या फिर मेल है जिसका आवाज की जो आवृत्ति है वो 400 हर्ज है, और साथ ही साथ जो उत्पन्न ध्वनि तरंग है उसकी लंबाई 1 मीटर है। कह रहा है कि उसी जगह कोई महिला है जिसकी स्वर की तरंग लंबाई 80 सेंटीमीटर है, तो सर महिले की जो स्वर की आवृत्ति होगी वो क्या होगी, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, कैल्शियम जो है वो हड्डी के लिए जरूरी होता है और विटामिन डी भी होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए, रवि रवि ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं, अमृता कुमारी ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं, कामनी कुमारी ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं। एक बार सभी छात्र अगर सेशन को एंजॉय कर पा रहे हैं, सीखने में मजा आ रहा है, तो आप अपने तरफ से सेशन को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, ताकि जो मोटिवेशन है सर वो लगातार बना रहे और आप सभी यहाँ पे मतलब चीजों को अच्छे तरीके से ग्रैब कर पाओ। तो अगर लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ शेयर तो एक बार कर ही दीजिए। अब इस सवाल में बहुत सारे छात्र फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिनका भी यहाँ पे सर आंसर आ रहा है वो बी डी सी इस तरीके से आंसर आ रहा है। तो मेरे मित्र तरीका क्या है, पहले तो यह ध्यान देना कि कह रहा है कि किसी पुरुष के स्वर की आवृत्ति 400 हर्ट्ज है और महिला के स्वर की तरंग की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। मेरे मित्र अगर हम एक सेम एटमॉस्फेयर में, या आप यूं कह लो कि सेम माध्यम में, अभी हम यहां पे बोल रहे हैं तो यहां का माध्यम क्या है, एयर है, और यहीं पे अगर कोई फीमेल कैंडिडेट हो तो सर वो जो आवाज निकालेगी सर उसका भी माध्यम क्या होगा आवाज के प्रोपेगेशन का, आप कहेंगे सर एयर ही होगा। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि किसी भी माध्यम में जो ध्वनि की चाल होती है वो क्या होती है, तो सर कुछ ना कुछ निर्धारित होती है।
मेरे भाई आप सबों को मालूम है कि गुरु जी ध्वनि तरंग का जो वेग होता है, ध्वनि तरंग का जो वेग होता है यानी कि जो भी है वो किसके बराबर होता है? आप कहते हैं आवृत्ति और लेमडा यानी कि जो तरंग दैर्ध्य है उसके गुणनफल के बराबर होता है। और मेरे मित्र कई बार हम इसको शॉर्ट फॉर्म में वी इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा लिखते भी हैं। अब आप सभी क्या कहेंगे कि गुरु जी अगर हमारा वेग क्या हो सर, किसी माध्यम के लिए नियत हो, बोले तो कॉन्स्टेंट हो, क्या हो चला, कॉन्स्टेंट हो, बराबर हो, तो क्या हम ये ना कह सकते हैं कि गुरु जी न्यू लेमडा वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू लेमडा टू? आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहां पे अगर हम मेल की बात करें तो मेल का जो आवृत्ति है वो कितना है? सर जी क्वेश्चन में दिया हुआ है 400 हर्ज, तो पहला मेल की आवृत्ति को हम न्यू वन मान लेते हैं। अब साथ ही ध्वनि तरंग की लंबाई, तो तरंग दैर्ध्य क्या है? तो आप कहते हैं सर तरंगों की लंबाई, तो मेरे मित्र जो लेमडा वन है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे महिला के स्वर की तरंग लंबाई दी हुई है, अगर हम यहां पे मेरे मित्र लेमडा टू की बात करें तो कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या कहिएगा कि गुरुजी ये पॉइंट कैंसिल होगा और लेमडा टू हमारा 0.8 मीटर आ जाएगा। और आपको क्या बताना है सर, आवृत्ति क्या होगी? आप कहेंगे सर न्यू टू तो हमें ज्ञात ही करना है। बताओ अब ये सवाल सॉल्व नहीं होगा आपसे? आप कहेंगे गुरुजी 100% हो जाएगा। और सीधे यहीं से हम न्यू टू इक्वल टू क्या कह सकते हैं, न्यू वन इंटू लेमडा, लेमडा वन बटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे लेमडा टू। और मेरे मित्र जो आपका पहला आवृत्ति है वो 400 है सर, पहला तरंग दैर्ध्य आपका 1 है और दूसरा तरंग दैर्ध्य सर जी 0.8 है। मेरे मित्र क्या कहोगे कि गुरुजी पॉइंट हटाएंगे यहां से तो 1 पे 0 डाल देंगे। और आप सभी क्या कहिएगा कि सर ये हो जाएगा 50 अठे 400 और 50 दहे 500, यानी कि मेरे मित्र जो कहा जा रहा है कि स्वर की आवृत्ति क्या होगी, आप सभी कहेंगे गुरुजी 500 हर्ज। याद रखना ये जो सेकेंड इनवर्स दिया गया है ये गलत दिया गया है, यहां पे आवृत्ति जब पूछा जा रहा है तो हर जगह पे हर्ज लगेगा, चिल्ला हर जगह पे क्या लगेगा, हर्ज लगेगा। और जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे थे कहीं ना कहीं सही जा रहे थे, सी आंसर सही है गलत है। चलिए कोई दिक्कत इसमें, चलिए हरे राम कुमार एनसीईआरटी 11 अप्रैल से आगे बढ़े। चला अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि संलग्न परिपथ में आई का मान होगा जबकि 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान 2 एम्पियर है। मेरे मित्र यहां पे आपको एक प्रतिरोधों की समांतर क्रम में संयोजन दिया हुआ है जिसमें क्या है, तो सर पहला 3 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, दूसरा 2 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तीसरा 1 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। और साथ ही ये जो 3 ओम की प्रतिरोध है इससे 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो हमारा तीसरा प्रतिरोध है जिससे आई धारा बह रही है इस आई का मान क्या होगा, ये चीज आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या कहोगे आप सभी, कहोगे कि सर चूंकि ये जो हमारा संयोजन है प्रतिरोध का वो क्या है, समांतर क्रम में है, तो हम सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इस दोनों ही बिंदु के बीच यानी कि ए और बी के बीच जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, सर समान होगा। भी क्या होगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी समान। क्यों? क्योंकि सर सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो सर जो इस दोनों ही बिंदु के बीच का विभव होगा वो समान होगा, लेकिन इन प्रतिरोधों से बहने वाली जो धारा का मान होगा वो अलग अलग होगा। और इसीलिए यहां पे 3 ओम में 2 एम्पियर धारा बह रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1 ओम में कितना धारा बहेगा। क्या कहोगे कि गुरुजी जब विभव समान होगा तो यहां पे 3 ओम के प्रतिरोध से 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रतिरोध के लिए भी विभव भी ही, इसके लिए भी विभव भी, इसके लिए भी विभव हमारा क्या होगा, आप कहेंगे भी ही होगा। तो एक निकालेंगे तो पूरा निकल जाएगा। आप कहोगे कि गुरु जी अगर हम विभव की बात करेंगे तो ये आई आर से निकाल सकते हैं, आई हमारा 2 एम्पियर है और कह रहा है कि 3 ओम के धारा से ये बह रही है, तो हमारा टोटल विभव कितना हो गया, आप कहेंगे सर 6 वोल्ट। और ये 6 वोल्ट सर तीनों प्रतिरोध के लिए है, आप कहेंगे बिल्कुल। क्वेश्चन करा जा रहा है कि हे ही वाला प्रतिरोध से कितना धारा बह रहा है, आप क्या कहिएगा कि गुरुजी हम लोग अब आसानी से कह सकते हैं कि आई इक्वल टू भी बटा आर हो जाएगा, और भी तो हमारा सबके लिए समान है, प्रतिरोध का वैल्यू 1 ओम है। मेरे मित्र जो सवाल करा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा, जो सवाल करा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी 6 एम्पियर हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए, कोई समस्या है इसमें? आगे बढ़े चला, अगला सवाल देख लो, अगला सवाल देखो। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन जब तप्त कैल्शियम से क्रिया करती है तो बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब नाइट्रोजन तप्त कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या बनेगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब नाइट्रोजन आपका तप्त कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी कि 3Ca+N2, यानी कि कैल्शियम के तीन परमाणु और नाइट्रोजन के सर एक परमाणु जब अभिक्रिया करेंगे, नाइट्रोजन के एक परमाणु जब अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बनाएंगे सर? Ca3N2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? Ca3N2 बनाएंगे। और मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, कैल्शियम नाइट्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम नाइट्राइड कहते हैं। तो जो सवाल करा जा रहा है कि नाइट्रोजन जब तप्त कैल्शियम से क्रिया करती है तो क्या बनती है, कहिएगा कैल्शियम नाइट्राइड बनती है। मेरे मित्र कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला आप सभी ध्यान में रखेंगे, Ca(NO3)2 हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करेंगे आप कहेंगे सर CaO, और कैल्शियम क्लोराइड की बात करेंगे CaCl2 होगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? इसमें कोई दिक्कत है? समझ में आई ये चीजें? चलिए, हाँ, बहुत बहुत सारे आंसर, बहुत सारे छात्र जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, नहीं। कैल्शियम नाइट्रेट आपका कब बनेगा? तो चिल्ला, जब कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ कराई जाएगी तब आपका क्या बनेगा? याद रखिएगा सर, कैल्शियम कैल्शियम आपका नाइट्रेट बनेगा। तो जब भी हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन जब तप्त कैल्शियम से अभिक्रिया करती है, तो जब मेरे मित्र कैल्शियम को गर्म, जो आपका बहुत ही हॉट कैल्शियम होता है, उसकी अभिक्रिया नाइट्रोजन से कराओगे तो कैल्शियम नाइट्राइड बनेगा। लेकिन जब कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ होगा तब आपको जाकर के कैल्शियम नाइट्रेट मिलेगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि नाइट्रेट के लिए जो आपका रेडिकल्स होगा वो क्या होगा? NO3 होगा। क्या होगा? NO3 होगा। और नाइट्राइड तो हम लोग सिंगल 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 एटम्स के रूप में देखते हैं, ठीक है। चलिए, अभी भी एक छात्र कह रहा है ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए, हाँ, Ca2N3 होगा चला, Ca3N2। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखेंगे। चला, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 कि कार्बन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? विच आइसोटॉप ऑफ कार्बन इज रेडियो एक्टिव? कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन करा जा रहा है कि कार्बन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है, कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? चलिए इसका आंसर बताइएगा। अमित कुमार कह रहे हैं सर ज्यादा न्यूमेरिकल पूछेगा कि वन लाइनर। चला, वन लाइनर से तैयारी होगा ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अगर किन्हीं को लग रहा है कि वन लाइनर से तैयारी होगा तो ये चीजें हमको नहीं समझ में आ रहा है। जिनको समझ में आ रहा है सर वो ठीक है, फिर वो बहुत बहादुर हैं। ये देखिए चला कि कार्बन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है, तो आप सभी ध्यान में रखना। पहला तो कि समस्थानिक कौन से तत्व होते हैं, तो वैसे तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। और आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13 और साथ ही साथ कार्बन 6 14। और मेरे मित्र ये जो कार्बन 6 14 है ये क्या होते हैं सर? रेडियो सक्रियता के प्रॉपर्टीज को शो करते हैं और इसका उपयोग हम लोग रेडियो डेटिंग में भी करते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा चिला? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि कार्बन के ही समस्थानिक 6 12 का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो सर किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान या किसी भी अणु के आणविक द्रव्यमान को सापेक्षिक रूप से निकालने के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि सर इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी बराबर है। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि सोडियम एसीटेट तथा सोडा लाइम को गर्म करने से प्राप्त होने वाली गैस होगी मीथेन, इथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, क्या होगा इसका आंसर? सोडियम एसीटेट तथा सोडा लाइम को गर्म करने से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी होगी? क्या इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं?
अमित कुमार कह रहे हैं सर आपका सर पुराना स्टूडेंट है। चिला अमित ठीक है, लेकिन मतलब आपको मालूम है कि कंपटीशन लेवल क्या है, सारी चीजें आप देख पा रहे हैं और आप फिर भी कह रहे हैं कि गुरुजी वन लाइनर के सहारे हम अपने एग्जाम को क्लियर करेंगे। चला वन लाइनर रिवीजन के लिए है, वन लाइनर एक्स्ट्रा फैक्ट को दिमाग में कंटेन करने के लिए है, वन लाइनर से कंसेप्ट कभी भी डिलीवर नहीं होगा। कोई कितनों धुरंधर है वन लाइनर से कंसेप्ट डिलीवर हो ही नहीं पाएगा। वन लाइनर सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है, चीजों को रिकॉल करने के लिए है, कंसेप्ट को समझने के लिए आपको सर टेक्स्ट बुक का पन्ना पलटना ही पड़ेगा। ये चीज आप क्यों नहीं समझ रहे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चला जी हर्षिता झा ऑप्शन नंबर ए कह रही हैं, रोहित माही ऑप्शन नंबर एक, कुमार राजीव ए कह रहे हैं। चलिए ठीक है, अब मेरे मित्र ध्यान देना यहां पे, बहुत अच्छा। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बहुत सही जा रहे हैं, मिथेन CH4 ठीक है। अब कितने छात्र होंगे यहां पे जो ये कहेंगे कि गुरुजी ये तो सोडियम एसीटेट पूछा जा रहा है और सोडा लाइम पूछा जा रहा है, हम कैसे करेंगे अभिक्रिया। चला ध्यान दो, सोडियम एसीटेट की जब भी हम बात करेंगे तो सर CH3COONA लिखेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं आप सभी ध्यान में रखना, आप सभी ध्यान में रखना सोडियम एसीटेट, क्या ध्यान में रखेंगे सोडियम एसीटेट। मेरे मित्र यहां पे सोडा लाइम की बात की जा रही है तो आप सभी ध्यान में रखेंगे चिला कि अगर हम सोडा लाइम की बात कर रहे हैं तो सोडा के रूप में कौन होगा सर NaOH होगा, और यहां पे लाइम की बात की जा रही है तो चिला जी कैल्शियम ऑक्साइड होगा। मतलब CH3COONA जो है ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, और मेरे मित्र बदले में क्या बनेगा CH4 बनेगा और साथ ही साथ Na2CO3 बनेगा और आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। तो मिथेन भी गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, तो अगर आपको कहीं पे ऑप्शन में ये दे दिया जाए कि मिथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड तो आप कहेंगे सर इस अभिक्रिया में तो हमारा दोनों बनता है तो दोनों हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में क्या है सर सिर्फ और सिर्फ मिथेन, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया हर्षिता झा का बिल्कुल सही जवाब कि सर NaOH और CaO, बहुत सही है, बिल्कुल सही है। ऋषि ऋषि कह रहे हैं कि अगर हम अभी से तैयारी स्टार्ट करें तो ALP का क्या चांस है। चला अगर मन से रगड़ दिया 90 दिन भी तो समझो कल्याणे हैं। अगला सवाल देख लो कि श्वेत फास्फोरस से लाल फास्फोरस बनाने में कौन से उत्प्रेरक का उपयोग होता है, प्लेटिनम, फिर है आपका कॉपर क्लोराइड, निकेल, आयोडीन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कह रहा है कि श्वेत फास्फोरस से लाल फास्फोरस बनाने में कौन से उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। मेरे मित्र ध्यान देना कि श्वेत फास्फोरस की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको व्हाइट फास्फोरस हम लोग कहते हैं, व्हाइट पी भी कहते हैं, याद रखिएगा चेला जी कि ये क्या होता है, तो सर मोम जैसा होता है, मोम जैसा सॉलिड होता है, मोम जैसा आप कह सकते हो ठोस होता है और साथ ही साथ मुलायम होता है, बोले तो सॉफ्ट होता है। अब मेरे मित्र हर हर सॉफ्ट चीज प्यारा नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो व्हाइट फास्फोरस है ये क्या होता है सर बहुत ज्यादा जहरीला होता है और साथ ही बहुत ज्यादा ये सक्रिय भी रहता है, यानी कि इसकी सक्रियता भी क्या होती है ज्यादा होती है, मतलब हाईली पॉइजनस और हाईली रिएक्टिव मटेरियल है। और मेरे मित्र सर ये जो व्हाइट फास्फोरस है ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि इसको सेव करने के लिए हमें कहां रखना पड़ता है, इसको सर पानी में रखना पड़ता है। जबकि मेरे मित्र अगर हम लाल फास्फोरस की बात करते हैं तो लाल फास्फोरस क्या होता है, श्वेत फास्फोरस से कम सक्रिय होता है और साथ ही साथ ये नॉन पॉइजनस की श्रेणी में आता है, या आप यूं मान सकते हो कि सर बहुत ही कम जहरीला होता है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग किसका उपयोग करेंगे, आप कहेंगे सर रेड फास्फोरस का करेंगे। सवाल यह है कि क्या सर व्हाइट फास्फोरस को रेड फास्फोरस में बदला जा सकता है या फिर रेड फास्फोरस को व्हाइट फास्फोरस में बदला जा सकता है,
मेरे मित्र बिल्कुल बदला जा सकता है। और आप सभी ध्यान में रखिएगा, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम रेड फॉस्फोरस या फिर व्हाइट फॉस्फोरस के इंटरचेंजिंग की बात करेंगे तो क्या करना होगा मेरे मित्र। अगर हमें व्हाइट फॉस्फोरस को रेड फॉस्फोरस में बदलना है तो इनर्ट एटम यानी कि इनर्ट वातावरण में, मतलब ये कह सकते हो जहां पे नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस रहे, वहां पे व्हाइट फॉस्फोरस को क्या करेंगे सर, 250 डिग्री सेल्सियस तक तप्त करेंगे। किसके उपस्थिति में सर? आयोडीन उत्प्रेरक के उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में चला? आयोडीन उत्प्रेरक के उपस्थिति में। तो जो हमारा व्हाइट फॉस्फोरस है वो किसमें बदल जाएगा? रेड फॉस्फोरस में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? रेड फॉस्फोरस में बदल जाएगा। तो जो सवाल करा जा रहा है कि श्वेत फॉस्फोरस लाल फॉस्फोरस बनाने में कौन से उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, आप कहेंगे सर आयोडीन उत्प्रेरक, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे मित्र। आगे आप सभी ध्यान में रखना, अगर हम चाहें तो रेड फॉस्फोरस को भी व्हाइट फॉस्फोरस में बदल सकते हैं, बस टेम्परेचर हमें ज्यादा करना होगा। कितना? 550 डिग्री सेल्सियस तक। और चेला ध्यान में रखेंगे कि यहां पे भी हमारा जो माध्यम होगा वो इनर्ट एटम का ही होगा। आप नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रहे जितना तेजी से इसको गर्म करेंगे मेरे मित्र, उतना ही तेजी से इसको रूम टेम्परेचर पे क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। तो ये फिर से किस में बदल जाएगा? व्हाइट फॉस्फोरस में बदल जाएगा। तो रेड फॉस्फोरस को व्हाइट फॉस्फोरस में बदलने के लिए किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन व्हाइट फॉस्फोरस को रेड फॉस्फोरस में बदलने के लिए आयोडीन जैसे कैटलिस्ट की जरूरत होती है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेरे मित्र एक चीज हमें बता दो आप सभी कमेंट करके कि प्लेटिनम और निकेल जैसे उत्प्रेरक का इस्तेमाल हम लोग कहां पे करते हैं, प्लेटिनम और निकेल जैसे उत्प्रेरक का इस्तेमाल हम लोग कहां पे करते हैं चिला, इस क्वेश्चन का आंसर एक बार बता दो। प्लेटिनम और निकेल जैसे उत्प्रेरक का उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं, कोई बता सकते हैं? ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है, डिट्टो क्वेश्चन मिलेगा चिला, तो ये चीज आप बताइए। चलिए फैट ऑयल में, फैट ऑयल में तो नहीं मेरे मित्र। आप सभी को मालूम है कि अगर हम लोग हाइड्रोजनीकरण की बात करते हैं, देखो कहां कहां तुम्हारा दिमाग जा रहा है चिला, अगर हम हाइड्रोजनीकरण की बात करेंगे चिला, तो आप क्या कहिएगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, किसमें? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या करते हैं सर? हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, क्यों? ताकि सर वो संतृप्त हो जाए। और मेरे मित्र हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए हमें उत्प्रेरक के रूप में किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आप कहते हैं प्लेटिनम निकेल पैलेडियम जैसे, पैलेडियम जैसे तत्वों का। तो जब भी सवाल करा जाए कि प्लेटिनम और निकेल जैसे तत्वों का उपयोग किया जाता है, आप सभी कहेंगे हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में। क्या है? हाइड्रोजन का ऐड करना है। और मेरे मित्र क्या होता है इसमें, आप कहते हैं सर असंतृप्त पदार्थ को, असंतृप्त पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं सर, संतृप्त पदार्थ में तो मतलब बदलते हैं, या आप कह सकते हो परिवर्तित करते हैं। अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है, एडेनाइन गुआनाइन यूरेसिल साइटोसाइन, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन करा जा रहा है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है। हाँ बिल्कुल सही है अमित बीरा, हाइड्रोजनीकरण कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए घी के लिए निकेल, नहीं 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 नहीं, वनस्पति, वनस्पति जो हमारा घी है उसको डालडा में परिवर्तित करने के लिए, या आप कह सकते हो सर जो हमारा वनस्पति घी है उसी को हम डालडा कहते हैं, उसको सर असंतृप्त से संतृप्त बनाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अमिका चौहान सर एनसीईआरटी से ग्रुप डी का काम हो जाएगा, सर सभी एग्जाम आपके कवर होंगे, आप परेशान मत होइए, आपके सभी एग्जाम में काम आएंगे एनसीईआरटी, ऐसा नहीं कि कोई एक एग्जाम, आपके सभी एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। चलिए एक बार अपने तरफ से आप लोग सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए चिला। अब बताइए इस क्वेश्चन में बहुत सारे छात्र यूरेसिल के तरफ जा रहे हैं, जो छात्र जा रहे हैं कहीं ना कहीं सही सोच पा रहे हैं, लेकिन मेरे मित्र व्हाट आर द कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट क्या है? अब सीधे रट लेना वो आपके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। ध्यान में रखना कि बात आरएनए की जा रही है, तो हमें किसको समझना होगा? डीएनए को भी समझना होगा। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि डीएनए और आरएनए
एक आपका जब हम लोग डीएनए की बात करते तो क्या कहते हैं सर, ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। और अगर हम चिल्ला बात करते हैं किसकी, आरएनए की, तो आप सभी कहते हैं ये राइबो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। डीएनए की संरचना कैसी होती है, आप सभी कहते हो डबल हेलिकल होती है, आरएनए की संरचना सिंगल हेलिकल होती है। मेरे मित्र, दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, ध्यान में रखिएगा कि डीएनए का निर्माण भी नाइट्रोजन बेस से होता है। चिल्ला डीएनए का निर्माण भी किससे होता है, नाइट्रोजन बेस से होता है। और आरएनए का निर्माण भी किससे होता है, नाइट्रोजन बेस से होता है। और मेरे मित्र, ये जो नाइट्रोजन बेस है इसमें क्या होते हैं, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस नाइट्रोजन बेस में आपका प्यूरीन, प्यूरीन और साथ ही साथ क्या होता है, पायरीमाइडीन होता है। और मेरे मित्र, ये जो प्यूरीन है, ये जो प्यूरीन है इसमें क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा एडेनिन होता है और साथ ही साथ क्या होता है, गुआनिन होता है, एडेनिन और गुआनिन। और ये जो पायरीमाइडीन है सर, पायरीमाइडीन है, इसमें आपका साइटोसिन होता है, क्या होता है सर, साइटोसिन होता है और साथ ही साथ थाइमीन होता है, क्या होता है, थाइमीन होता है। और मेरे मित्र, जो आरएनए का, आरएनए का नाइट्रोजन बेस है, यानी कि जो आरएनए भी आपका नाइट्रोजन बेस से बना है, इसमें भी सर क्या होते हैं, प्यूरीन, इसमें भी प्यूरीन और पायरीमाइडीन होंगे, प्यूरीन और पायरीमाइडीन होंगे। लेकिन मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि प्यूरीन का स्ट्रक्चर सेम एडेनिन और गुआनिन होगा, और पायरीमाइडीन में एक जो है वो साइटोसिन होगा, एक क्या है, साइटोसिन होगा, जबकि थाइमिन के जगह आरएनए में क्या होगा, पायरीमाइडीन बेस में सर यूरेसिल होगा, क्या होगा चिल्ला, यूरेसिल होगा। इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जब भी आप सभी ध्यान, आपसे कभी भी डीएनए और आरएनए की बात की जाएगी तो आप सभी कहेंगे बोथ आर मेड फ्रॉम नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस के रूप में इसमें क्या होंगे, आप कहेंगे प्यूरीन और पायरीमिडीन होगा, प्यूरीन में एडेनिन और गुआनिन, पायरीमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन, जबकि नाइट्रोजन बेस में आएंगे हम लोग आरएनए के लिए तो प्यूरीन और पायरीमिडीन में प्यूरीन कहेंगे सेम कंपोजिशन, जबकि पायरीमिडीन में क्या होगा चला, आप कहेंगे सर साइटोसिन और यूरेसिल होगा, क्या होगा, साइटोसिन और यूरेसिल। और ये जो यूरेसिल है वो किसके जगह पे है, थाइमिन के जगह पे, किसके जगह पे, थाइमिन के जगह पे। तो सही आंसर आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अभी भी कह रहे हैं बी, बी गलत है, सी, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभिषेक मोदक वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए कुमार राजीव कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी नहीं चला, ऑप्शन नंबर डी के तरफ नहीं जाओ, अगला सवाल देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, आइसो एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, उपयुक्त सभी, क्या होगा इसका आंसर। कह रहा है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है, मेरे मित्र कोई छात्र बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है, आइसो एंजाइम, होलो एंजाइम और एपो एंजाइम या फिर उपयुक्त सभी, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलिए रोहित माही ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं, अमित बिरा सी जवाब दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, जब हम लोग चिल्ला एंजाइम की बात करते हैं तो आप सभी ये ध्यान में रखना, कहीं पे भी अगर हम एंजाइम की चर्चा कर रहे हैं तो एंजाइम क्या है हमारा, आप सभी कहेंगे सर एक प्रकार का प्रोटीन है, क्या है ये, आप सभी याद रखना कि ये एक प्रकार का प्रोटीन है। अब मेरे मित्र, आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो एंजाइम होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं चिल्ला, दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन भाग, एक पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटीन भाग, और दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग सर, दूसरे पार्ट को कहते हैं बिना प्रोटीन वाला भाग, या फिर मेरे मित्र इसी को हम लोग कोफैक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। और याद रखेंगे कि यहां पे प्रोटीन की मौजूदगी नहीं होता, यहां पे प्रोटीन की मौजूदगी नहीं होता है। मेरे मित्र, जो एंजाइम का प्रोटीन वाला पार्ट होता है, जो एंजाइम का प्रोटीन वाला पार्ट होता है इसको क्या बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा एपो एंजाइम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एपो एंजाइम बोला जाता है। और मेरे मित्र, ये जब एपो एंजाइम आपका इस कोफैक्टर के साथ, यानी कि प्रोटीनियस भाग जब इस कोफैक्टर के साथ, यानी कि जो नॉन प्रोटीनियस भाग है, और इस नॉन प्रोटीनियस भाग में आपको क्या दिखेगा, एनएडीएच दिखेगा, एफएडीएच दिखेगा, NADH, FADH के मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। तो जब एपो एंजाइम इनके साथ क्या करता है सर, अभिक्रिया कर लेता है, तो ये क्या बना लेता है सर, एक एक्टिव,
आप कह सकते हो कैटलिस्ट प्रोटीन बना लेता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान में रखेंगे, होलो एंजाइम कहते हैं। तो सवाल आपसे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है, आप कहेंगे एपो एंजाइम कहा जाता है। और सर एपो एंजाइम और प्रोटीन का जो कोफैक्टर होता है, इसके सम्मिलित होने से जो आपका नया एक्टिव कैटलिस्ट प्रोटीन बनता है उसको क्या कहा जाता है, आप सभी कहेंगे गुरुजी उसको होलो एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होलो एंजाइम कहा जाता है। तो क्या ये चीजें क्लियर है चिला? चलिए सुचित कुमार ऑप्शन नंबर डी जवाब, ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं सही है, सारा गुप्ता ऑप्शन नंबर बी गलत है, ठीक है बी नहीं होगा यहां पे। आइए अगला सवाल देख लीजिएगा, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जा सकता है, अपकेंद्रण, वर्णलेखी की क्रोमेटोग्राफी, फिर है आपका ऑटी रेडियोग्राफी, उपयुक्त सभी। मेरे मित्र याद रखिएगा कि जो ऑटी रेडियोग्राफी है इसके द्वारा जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता लगाया जाता है। अब ये जो अपकेंद्रण है मेरे मित्र, तो अपकेंद्रण का सिद्धांत होता है, और आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन आपका मतलब प्रिंसिपल है, इसमें क्या होता है, तो सर केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है। और बेसिकली आप सभी कहेंगे कि गुरुजी भारी एवं हल्के कण को पृथक करने की प्रक्रिया अपकेंद्रीकरण कहलाती है या फिर अपकेंद्रण कहलाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन सिस्टम पे या प्रिंसिपल पे ही क्या होता है सर, ड्राई क्लीनर काम करता है, साथ ही साथ सेंट्रीफ्यूग पंप जो होते हैं वो काम करते हैं, साथ ही क्रोमेटोग्राफी है। तो आप सभी याद रखिएगा कि डाई यानी कि रंगों को पृथक करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं सर, क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि जब एक वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से कुछ दूरी पर रखते हैं तो वस्तु 1/4 माप के बराबर प्रतिबिंब बनता है, दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व होगा? सनोज कुमार बिल्कुल आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और साथ में सेशन को आप लोग अपने अपने तरफ से आहिस्ता आहिस्ता चला शेयर करते रहो, और अभी तक अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो, लाइक करने में कोई पैसा लग रहा, अगर चीजें समझ में आ रही है तो लाइक ठोक दो चला, ठीक है इसमें शर्माने वाली बात कैसी है। चलिए सुजीत कुमार आंसर दे रहे हैं 120 जो कि गलत जवाब है चेला, ठीक है थोड़ा सा हड़बड़ा के मत दीजिए आंसर, इसको पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सरल है बना सकते हो। कह रहा है कि एक वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से कुछ दूरी पर रखते हैं, तो चेला जो फोकस दूरी है उत्तल दर्पण का वो कितना है, आप कहेंगे 30 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि वस्तु का जो सर माप है प्रतिबिंब, तो सर प्रतिबिंब का माप 1/4 है, मतलब आवर्धन जो चिला है वो 1/4 है, और कह रहा है कि दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी, आपको पूछा जा रहा है यू इक्वल टू व्हाट, बताओ ना सॉल्व होगा, क्या कहोगे कि गुरुजी अगर हमें वस्तु दूरी ज्ञात करना है तो हमें क्या चाहिए, प्रतिबिंब दूरी चाहिए, तभी ना चिल्ला जो आपका दर्पण सूत्र है 1/f = 1/v + 1/u लगेगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र भी कैसे आएगा, आप कहेंगे कि सर जी चूंकि आवर्धन मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है -v/u, मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है -v/u, किसके लिए, जब हम लोग दर्पण के लिए बात करते हैं तब, किसके लिए चला, जब हम लोग सर दर्पण के लिए बात करते हैं तब। क्या कहोगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग m = -v/u लिख रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि m हमारा 1/4 होगा, और साथ ही साथ यहां पे जो हमारा u है वो तो हमको पता नहीं है लेकिन हमको भी निकालना है, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारा -v/u। मेरे मित्र ध्यान देना यहां पे कि u इक्वल टू, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो -u = क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे
एक मिनट चिल्ला, हाँ ठीक है ठीक है, माइनस यू इक्वल टू फोर भी हो जाएगा। और आप क्या कहिएगा कि गुरुजी भी इक्वल टू माइनस यू बटा क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी फोर हो जाएगा, माइनस यू बटा फोर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे कि अगर हम f का वैल्यू कितना रखें, आप कहेंगे 1/30 इक्वल टू 1/v की जगह क्या रखें, आप कहेंगे माइनस यू बटा फोर रखिए, और प्लस यहां पे क्या है चला 1/u। ध्यान देना 1/30 इक्वल टू, इसको अगर हम ऊपर करेंगे तो आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी माइनस 4/u इक्वल टू 1/u हो जाएगा। और ये लीजिए, आप कहिएगा u ही होगा सर, और ये माइनस फोर यू और प्लस ये क्या होगा, आप कहेंगे सर जी u 1/30 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस आप कहेंगे 3u और बटा क्या हो जाएगा, आप कहिएगा सर u। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे एक मिनट, सॉरी यहां पे u नहीं होगा चला, हम तो अनटिटल कर दिए थे, ठीक है माइनस फोर प्लस वन, ठीक यहां पे भी u नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा सर 3/u। अब आप क्या कहोगे कि u इक्वल टू गुरुजी माइनस 90 सेंटीमीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी माइनस 90 सेंटीमीटर। तो सर आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, कितना आ गया 90 सेंटीमीटर। 22.6 कहां से आ गया, 22.6 कहां से आएगा चला, पहले सही से देखो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, बहुत सारे छात्र को अभी भी लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी होगा। रोहित माही क्या कह रहे सर, मेरे कमेंट पे भी तो पढ़िए, सही जवाब देता हूँ, बिल्कुल देते हो चेला, पढ़ते हैं। अच्छा रोहित माही जवाब दे चुके हैं ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है चेला, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे सवाल जब भी आए चेला, आप उसको थोड़ा सा पढ़ के और क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए चेला, तभी होगा चीजें, नहीं तो नहीं होगा। हड़बड़ा के जवाब देंगे तो गलती करेंगे सर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, इसका संवेग क्या होगा। बहुत सिंपल सा है चला, अगर हम गतिज ऊर्जा और संवेग में रिलेशन की बात करेंगे तो के इक्वल टू पी स्क्वायर बटा 2m होगा चला, और यहां से पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू 2m हो जाएगा। और याद रखना पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर रूट अंडर के इंटू 2m। अच्छा गतिज ऊर्जा कितनी है चला, 25 जूल, 2 गुना मास, सर 2 ही है, 2 केजी कहा जा रहा है, तो आप कहेंगे 25 गुना 50, पी इक्वल टू 10 kg/s, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है सर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नहीं अमित कुमार फिर से 50 गलत जवाब है, रोहित माही 20 कैसे आ जाएगा चला, 25 गुना 50 गुना 100 उसका रूट निकालोगे तो कितना होगा, 10 9 100, 10 ही ना होगा चला, कहां जा रहे हो, किस दिशा में चल रहे हैं आप लोग। चलिए सर अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से किन कणों के युग्म को पृथक की क्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, एक न्यूट्रॉन को एक न्यूट्रॉन से, एक प्रोटोन को एक प्रोटोन से, एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटोन से। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग किसी परमाणु की बात करते हैं तो आप सबों को मालूम है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अब मेरे मित्र अगर इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक वाले किसी कक्षा से दूर किसी में जा रही है तो यहां पर क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा चेला, क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा, ऊर्जा का अवशोषण। और अगर किसी बाहरी कक्षा से नजदीक वाले कक्षा में जा रही है तो क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन। तो क्या रहा है कि निम्न में से किन कणों के युग्म को पृथक की क्रिया में ऊर्जा अवशोषित होगी, एक न्यूट्रॉन को एक न्यूट्रॉन से, नहीं मेरे मित्र ये जो नाभिक है ये एक्चुअली धनावेशित माना जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा प्रोटोन है वही नाभिक है क्योंकि न्यूट्रॉन का तो कुछ सर वैल्यू ही नहीं है। तो आप कहेंगे सर ये तो नहीं होगा, एक प्रोटोन को एक प्रोटोन से, नहीं एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन से, नहीं एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन से, मतलब सर अगर नाभिक से सटा हुआ कक्षा से, सर क्योंकि यहां तक तो नाभिक का आकर्षण होगा, अब इससे अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहेगा या बाहरी वाले कक्षा में जाना चाहेगा तो आपको मैंने क्या बताया कि सर ऊर्जा का अवशोषण होगा, और क्वेश्चन अवशोषण के रिगार्डिंग ही है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
कह रहे हैं सर, टेस्ट में आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है हर बराने के वजह से चला, ठीक है, हर बराने के वजह से। जब तक आपको क्वेश्चन देखने के बाद ये ना लगे मन में कि सर हम इसको आसानी से कर सकते हैं, तब तक सर छटपटाहट बनी रहेगी। और मेरे मित्र, इस तरह का प्रैक्टिस करने के लिए आपको लगातार मेहनत करना होगा। एक दिन में नहीं होगा, दो दिन में नहीं होगा, 10 दिन में नहीं होगा। इसके लिए आपको कम से कम 90 दिन तक लगातार घिसना होगा चिल्ला। अगला सवाल देख लेना, बहुत ही सरल है और बहुत ही सही तरीके से आप सभी जवाब दे देंगे। अमरबेल क्या है? आप सभी कहेंगे गुरजु परजीवी यानी कि पैरासाइट है। अमरबेल क्या है? परजीवी यानी कि पैरासाइट। याद रखना कि माइक्रोफाइट तो सभी समझ रहे होंगे कि गुरुजी सूक्ष्म शैवाल इसको हम लोग बोलते हैं या सूक्ष्म जीव। मरुद्भिद क्या होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि शुष्क स्थान में उगने वाले पौधे, शुष्क स्थान में उगने वाले पौधे मरुद्भिद यानी कि जेरोफाइट कहलाते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये जो अधिपादप है जिसका अंग्रेजी इपिफाइट होता है, ये क्या होते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अधिपादप वैसे पादप जो आश्रय के लिए वृक्ष पर निर्भर होते हैं लेकिन पैरासाइट नहीं होता चेला, ये चीज ध्यान में रखिए। अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है कि पादप जल संबंधों में ये जो आपका सिंबल दिया हुआ है जिसको हम लोग PSI के रूप में देखते हैं, कह रहा है कि प्रतीक का प्रयोग W का क्या दर्शाने के लिए किया जाता है, यानी कि पादप जल संबंध में जो ये आपका सिंबल है उसे क्या दर्शाने के लिए किया जाता है, क्या कहिएगा? आप कहेंगे वाटर पोटेंशियल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जल विभव कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहां पे एक चीज आपका परासरण भी दिया हुआ है, तो इसी को इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। और याद रखिएगा क्या कि जब जल का विसरण किसी झिल्ली के द्वारा होता है तब उस प्रक्रिया को हम लोग परासरण कहते हैं। और परासरण के लिए सर जल को किसी न किसी झिल्ली के माध्यम से गुजरना ही होगा। अगर झिल्ली के माध्यम से नहीं गुजर रहा है तो हम लोग उसको परासरण के रूप में डिफाइन नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है, वह है एक उपधातु, अक्रिय गैस, धातु, अधातु। क्या कहोगे कि गुरुजी 1s2 2s2 है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहला कक्षा में दो, दूसरा में सर दो, तो चार, फिर ये 6 4 10 12 और 6 18। मेरे मित्र आप ये बता दो कि ये आपका 18 है, और आप सभी क्या कहोगे कि गुरुजी आर्गन की जब भी बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर 18 होता है, और अगर हम इसका कक्षा आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 8 लिखेंगे, और उपकक्षा आधार पर लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 लिखेंगे। और आर्गन क्या है? आप कहेंगे सर अक्रिय गैस यानी कि नोबल गैस है, तो ये बता दो चिल्ला सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखिएगा कि वैसा तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो धातु कहलाएगा, और वैसा तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 5 6 7 और आप 8 भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन हो ऐसे, हालांकि 8 जो होगा बाह्यतम कक्षा में तो वो तो अक्रिय गैस होगा, और जितने भी गैस हैं वो अधातु कहलाते हैं, तो 4 5 6 7 8 भी कह सकते हैं सर, क्या होंगे? अधातु होंगे, ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। अब कोई कोई छात्र भूलवश सिलिकन का एग्जाम्पल लेंगे और उपधातु के रूप में देख लेंगे कि सर जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 होगा वो उपधातु होगा, नहीं, कार्बन के कक्षा में 4 गो होता है सर बाह्यतम कक्षा में, कार्बन क्या है? अधातु, तो ऐसा गलती नहीं करना है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 कि एक बोतल में 2 अमिश्रित द्रव भरे हुए हैं, उसको आपस में एक दूसरे से निम्न में से किसकी सहायता से पृथक किया जा सकता है? निर्वात आसवन, भाप आसवन, प्रभाजी स्तंभ, पृथककरण की, क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही सरल सा सवाल है ये चिल्ला, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए।
बिल्कुल सही था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए चला कि एक बोतल में दो अमिश्रित द्रव भरे हुए हैं, उनको आपस में एक दूसरे से निम्न में से किसकी सहायता से पृथक किया जा सकता है? रोहित माही कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी भाप आसवन। और कोई है चिला, और कोई है जो जवाब दे सकते हैं? राहुल कुमार साह ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, हरर महादेव भी ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, आदित्य राज डी जवाब दे रहे हैं। चलिए चलिए, पटेल जी आयरन मैन ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं, अजय कुमार डी जवाब दे रहे हैं, विकास कुमार सी जवाब दे रहे हैं। मेरे मित्रों आप लोग तो यहाँ पे फंसते हुए नजर आ रहे हैं, ध्यान देना। मान लो कि हे ही बोतल है चला, हे ही बोतल है, ठीक है। अब ई बोतल में क्या हुआ कि यहां तक पानी भरा हुआ है, यहां तक क्या है आप सभी याद रखो कि पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर में चला क्या हो गया कि यहां तक तेल भर गया है, यहां तक तेल भर गया है, ठीक है। ये तेल है और ये का है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये पानी है। अब आप क्या पाते हो कि सर ये दोनों मिल नहीं सकता है, इसीलिए इसको हम लोग इमिसिबल लिक्विड कहते हैं, लेकिन मिला हुआ है, इसको अलग करना है तो कैसे करेंगे? तो मेरे मित्र इसके लिए पृथक्करण किप का इस्तेमाल करते हैं, पृथक्करण किप का इस्तेमाल करते हैं जहां पे एक स्टॉपर लगा हुआ रहता है, और इस पृथक्करण किप में हम जब इसको धीरे धीरे डालेंगे मेरे मित्र तो क्या होगा, आप सभी कहेंगे कि सर जो ऊपर वाला तेल होगा वो धीरे धीरे सर नीचे गिरता चला जाएगा, और उसको हम एक बर्तन में पौर कर लेंगे, और फिर क्या होगा तो सर जैसे ही पानी आने वाला होगा हम स्टॉपर को लॉक कर देंगे, और फिर दूसरा बर्तन ले आएंगे और उसमें हम लोग पानी पानी को क्या करेंगे अलग कर लेंगे। तो दो इमिसिबल लिक्विड जो आपस में ना मिल सके उसको अलग करने के लिए हम लोग सर सेपरेशन फनल यानी कि पृथक्करण किप का इस्तेमाल करते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखिएगा कि प्रभाजी आसवन सर इसको हम लोग फ्रैक्सिनेटिंग कोलम कहते हैं, और प्रभाजी आश्रम विधि से सर वैसे द्रवों को अलग किया जाता है जिसके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर का अंतर हम लोग मानते हैं। तो ये चीजें आप सभी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा आपसे पूछा जा रहा है, 19 आपसे पूछा जा रहा है कि मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है कॉर्टिसोन, प्रोजेस्ट्रोजोन, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र ध्यान देंगे कि मौखिक गर्भ निरोधक की बात की जा रही है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? आई पिल या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं। ये पिल्स क्या होते हैं? तो सर अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकता है। क्यों रुकता है? तो सर ये हार्मोनल इंबैलेंस करते हैं यानी कि हार्मोन में परिवर्तन करते हैं। और आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि जितने भी कॉन्ट्रिसेप्टिव पिल्स होते हैं उनमें क्या होता है, इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो जो सवाल करा जा रहा है कि मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है कॉर्टिसोन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन, तो आप कहेंगे जब इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का इस्तेमाल किया जाता है तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए न सिर्फ ओरल कॉन्ट्रिसेप्टिव पिल्स है बल्कि बहुत सारे मैकेनिकल मेथड्स भी अवेलेबल हैं जिसका इस्तेमाल करके क्या किया जा सकता है, तो सर जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है इसको रोका जा सकता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल डिवाइस की, किसकी बात करेंगे सर? मैकेनिकल डिवाइस की, किसके लिए? तो सर बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। किसके लिए सर? बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे मैकेनिकल डिवाइस के रूप में हम लोग किसका एग्जाम्पल देंगे? कॉन्डोम का इस्तेमाल, कॉन्डोम का एग्जाम्पल देंगे, और साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि कॉन्डोम मेल भी होता है और साथ ही साथ फीमेल कॉन्डोम भी होता है। मेल भी होता है और क्या होता है सर? फीमेल कॉन्डोम भी होता है। साथ ही मेरे मित्र बर्थ कंट्रोल को रोकने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, इसके लिए सर सर्जरी की भी प्रोसेस है और उसको हम लोग वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के रूप में जानते हैं। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। वैस डिफरेंस, पुरुषों में नसबंदी
और ट्यूबेक्टोमी आप कहेंगे सर महिलाओं में होगा। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, समस्त वसा, प्रोटीन, विटामिन, सभी कार्बोहाइड्रेट, क्या होगा इसका आंसर? प्रदीप सुमन बन जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, चला इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन करा जा रहा है कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, समस्त वसा का, प्रोटीन का, विटामिन का, सभी कार्बोहाइड्रेट का, क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो नाइट्रोजन बेस है, ये जो नाइट्रोजन है ये प्रोटीन का अनिवार्य घटक माना जाता है, और इसीलिए सभी सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि मेरे मित्र आप सबों को मालूम होना चाहिए कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, तो आप कहते सर अमीनो एसिड से होता है, किससे होता है, अमीनो एसिड से होता है। और मेरे मित्र ये प्रोटीन जो है ये किसके लिए जरूरी है, आपके बॉडी के सर मसल्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। ध्यान में रखेंगे कि फैट ऊर्जा देने वाला पदार्थ कहलाता है, विटामिन उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ कहलाता है, और साथ ही साथ अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो हमारे शरीर में जब लंबे समय तक हमें ऊर्जा की जरूरत होती है तब उसके लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट का सहारा लेना पड़ता है। और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, ये सब के सब क्या है चला, आप सभी ध्यान में रखना, सब के सब हमारा जो है वो न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि पोषक तत्व है। तो मेरे मित्र आज के इस सेशन में आपका 20 क्वेश्चन था, और मेरे ख्याल से इन सभी क्वेश्चन को आप आसानी से सीख पाए होंगे। और साथ ही आप सबों को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि मेरे मित्र अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी भर्ती परीक्षा के लिए हमारे साथ जुड़ करके आप अपने साइंस को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड या लाइव, तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे सर इन सभी कोर्सेज में। ध्यान में रखिएगा अगर आप आगामी परीक्षा के लिए एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम आपको देना है, और साइंस और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, इस दोनों के कंप्लीट थ्योरी और न्यूमेरिकल को पूरे रिकॉर्डेड में कवर करना चाहते हो, तो मेरे मित्र आप सभी इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। अगर मेरे मित्र आपको मन है कि सर सिर्फ और सिर्फ हम आपके साथ बेसिक साइंस एंड ईडी यानी कि 40 मार्क की तैयारी करें, तो मेरे मित्र आप सबों के लिए बेसिक साइंस एंड ईडी स्पेशल बैच है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि गुरुजी जिस तरह से हम यहां पे लाइव अटेंड कर रहे हैं क्लास को, उसी तरीके से आपके साथ लाइव साइंस को बेसिक से एडवांस लेवल तक करें, तो मेरे मित्र आप सभी हमारे साथ इस फाउंडेशन साइंस के लाइव बैच में इनरोल हो सकते हो। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये सभी बैचेज आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेंगे। अगर आपको इन बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप 9065-9704-77 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके बैच से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। बहरहाल मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।